नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। बिहार में एक प्रत्याशी की हत्या का मामला सामने आया है। शिवहर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की हत्या कर दी गई, उनके एक समर्थक की भी मौत हो गई जबकि एक घायल है। हमला करने वालों में एक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, वहीं दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। शनिवार 24 अक्टूबर को जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। जिस वक्त वह हथसार गांव के पास जनसंपर्क कर रहे थे, उसी वक्त बाइक पर बैठे दो लोग वहां पहुंचे जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अचानक इन लोगों ने श्री नारायण सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से मौके पर भगदड़ मच गई। सीने में गोली लगने से वह जमीन पर गिर पड़े। श्री नारायण सिंह के अलावा संतोष कुमार और अभय कुमार भी घायल हो गए। ये सब देखकर भीड़ और उम्मीदवार के समर्थक गुस्से से भर गए। भीड़ ने गोली चलाकर भाग रहे बदमाशों को दबोच लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस को भी सूचना दे दी गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, एक बदमाश की मौत हो चुकी थी और एक घायल था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्री नारायण सिंह को इलाज के लिए तुरंत ही शिवहर के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें सीतामढ़ी रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान उनके समर्थक संतोष कुमार की भी मौत हो गई। अभय कुमार के हाथ में गोली लगी है, उनका इलाज चल रहा है। अभय कुमार ने मीडिया को बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान करीब 8 से 10 लोग समर्थकों के बीच घुस आए, भीड़ में गोली चली तो भगदड़ मच गई। मुखिया जी यानी कि श्री नारायण सिंह को बचाने की हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें गोली लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 लोग इस गोलीकांड में जख्मी हुए थे। प्रत्याशी और संतोष की मौत हो गई, वहीं अभय के अलावा आलोक नाम के एक व्यक्ति को भी गोली लगी है, वो घायल है। श्री नारायण सिंह को 4 गोलियां लगी थी और संतोष को 1 गोली लगी थी। अभय के हाथ में गोली लगी है, वहीं आलोक के पेट में भी गोली लगी है। स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि करीब 20 से अधिक गोलियां चली। शिवहर के SP संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। सुनिए पुलिस इस मामले में क्या कह रही है। सुमैया थाना अंतर्गत सार गांव में ये बताया गया है कि वहां पर ये अपने चुनाव प्रचार के दौरान वहां थे। इसी क्रम में कुछ अपराधकर्मी जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई है और गोली चलाने के दौरान ये जख्मी हुए हैं। और उसके बाद अपराधकर्मी भी भागने का प्रयास किए, लेकिन कुछ उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था। तो अभी एक इलाजरत है और इनको यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ये इनके परिजन इन्हें सीतामढ़ी ले गए। अपराधी कितने की संख्या में, अपराधी 5 से 6 के बारे में बताया जा रहा है। श्री नारायण सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है, उन पर 6 मामले दर्ज हैं और अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा भी हो चुकी थी। वो शिवहर के ही नया गांव के रहने वाले थे और पंचायत के मुखिया भी रह चुके थे। वो डुमरी कटसारी से जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। सिंह RJD के जिला उपाध्यक्ष भी थे और टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं था, लिहाजा उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर जनता दल राष्ट्रवादी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर गए। नामांकन के वक्त उन्होंने जो शपथ पत्र दिया था, उसमें 0.5 दर्जन मामलों की जानकारी थी जो उनके खिलाफ दर्ज हैं। हत्या के बाद क्या इस सीट पर चुनाव टाला जाएगा, इसे लेकर अटकलें लग रही हैं। इससे पहले देखा गया है कि उम्मीदवार की मौत होने पर चुनाव को स्थगित किया जाता है। हालांकि स्थानीय मीडिया के मुताबिक शिवहर के जिला अधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि 3 नवंबर को होने वाले मतदान पर घटना का कोई असर नहीं होगा। ये स्टोरी की थी हमारे साथी वरुण ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। इंडिया में रह के AI का यूज करके कैंसर का इलाज कैसे ढूंढ सकते हैं।